friends, today from this Kodava book we are going to learn poem The Circus. First we are reading Hey There Hoopla, the circus is in town. Have you seen the elephant? Have you seen the clown? Have you seen the dappled horse gallop round the ring? Have you seen the acrobats on the dizzying swing? Have you seen the tumbling man tumble up and down? Hoopla, hoopla, the circus is in town. इसमें हुपला मतलब जो एक्साइटमेंट रहता है किसी चीज़ को देखने के लिए और पब्लिक का अटेंशन खींचने के लिए. सर्कस आया हुआ है उस टाउन में और आपने एलिफेंट देखा है. और हैव यू सीन द क्लाउन. क्लाउन मतलब जो एंटरटेनर, जैसे ये क्लाउन है और उससे फनी क्लोज, अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा सा नाक है, एंड डज द फनी थिंग्स टू मेक. फिर इसके बाद है हैव यू सीन द डैपलेट हॉर्स. डैपलेट मींस मार्क्ड विद द स्पॉट्स ऑफ कलर और अ शेड. ये जैसे हॉर्स है उसके पीछे कपड़ा है जिसमें डॉट्स डॉट्स लगे हुए हैं. Then have you seen the acrobats? Acrobats मैंने बताया था आपको, acrobats वो होता है जो entertainer जो बहुत hard task करता हो. जैसे ये acrobats हैं, करतब दिखाते हैं तरह तरह के, तो उसको acrobats. On the dizzy swing, ऐसे लटक के झूले से करतब दिखाते हों. Have you seen the tumbling? Seen the tumbling man tumble up and down. Tumbling मतलब जो falling suddenly in a dramatic way, मतलब झूले की तरह, झूले में से कूद के एक दूसरे गिरना और एक दूसरे को पकड़ लेना. हुपला हुपला the circus is in town. मतलब हुपला मतलब excitement, जो किसी का public attention कभी वो मतलब एक सर्कस लगा हुआ है देखने के लिए, जिसमें बड़ी सी रिंग ऑफ आयरन एंड प्लास्टिक ऑफ वुड, ये सब ऐसे लगे हुए हैं करतब, जिसमें से सब जानवर भी जा रहे हैं और ये जो है एक्रोबेट्स है वो भी करतब दिखाते हैं. इसमें पोएट ये बोलना चाह रहा है कि पोएट कौन है, सी माइकल जेम्स डेनिस. वो क्या बोलना चाह रहा है पोएट, वॉन्ट्स टू डिलीवर इस साइजिंग द अपॉर्चुनिटी. वो बोलना चाह रहा है ही स्ट्रेसेस द वन शुड नॉट पोस्टपोन एनी टुडेज वर्क टिल टुमारो. मतलब वो ये पोएट वो है जो इस सर्कस के हिसाब से बता रहा है कि कल के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखना चाहिए, जो काम आपको आज करना है वो आज ही कर डालना है. इसमें द सर्कस इज़ बबलिंग विथ एक्साइटमेंट. ये सर्कस सबका ध्यान खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए है. द स्पीकर कैन हार्डली कंटेन हिज जॉय एट हैविंग द सर्कस इन द टाउन. जो पोएट है वो खुद सर्कस का नाम सुन के ही बहुत खुश हो जाता है और देखने के लिए जाता है. द पोएट कन्वेज द आइडियाज If you seen the circus, then what are you waiting for? Poet बोलता है अगर आपने सर्कस देखा है तो किसके लिए वेट कर रहे हो, जाओ और सर्कस देख लो. सर्कस इज़ द ग्रेटेस्ट फन अ पर्सन कैन एवर हैव. इस सर्कस में वो बोल रहा है कि आपको एक्रोबैट्स दिखेंगे, क्लाउन दिखेगा, एलिफेंट दिखेंगे, हॉर्सेस दिखेंगे, टम्बलिंग मैन दिखेंगे, जंपिंग डॉग्स दिखेंगे, जगलर्स, ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेट स्टफ, सब आपको दिखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा. नाउ सेकंड पैराग्राफ, हे देयर हुपला, हेयर्स द सर्कस ट्रूप.
ये सर्कस की पूरी सब पर्संस आए हुए हैं, गैंग है जो आई हुई है शहर में और चल देखना चाहिए। हेयर्स द एजुकेटेड डॉग जंपिंग थ्रू द हुप। हुप मतलब ये ऐसा रिंग की तरह बना हुआ है, उसमें से डॉग पास हो रहा है। सी द लेडी ब्लॉन्डिन विद द पार्सोल एंड फैन। ये जिसके हाथ में, ये लेडी है जिसके हाथ में ऐसी अम्ब्रेला है और फैन है जो ऐसे हिलाकर बता रही है। द लेड अपॉन द लेडर एंड द इंडिया रबड़ मैन, और इंडिया रबड़ मैन भी है और अब लेडर ये सीढ़ी को पकड़ के नीचे जम कर रहा है। एंड इंडिया रबड़ मैन मतलब ये यहाँ से कूद के उस लड़की को पकड़ रहा है। सी द जॉयफुल जगलर, सी द ये जगलर है मंकी जो टोपियाँ पहन के एक एक करके रिंग टोपी उतार के और रिंग उस बॉल में डाल रहा है। द बॉय हु लूप्स द लूप, ये वो फिर लूप द लूप्स। उसके बाद हे 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 हेयर्स द सर्कस ट्रूप, पोयर ने बोला देखो सर्कस आई हुई है चलो देखकर आते हैं। ये मीनिंग्स है पोयम की, आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है यहाँ से, और ये एक्सरसाइज इस बुक में ही सॉल्व करनी है। व्हाट हैज़ कम टू द टाउन, क्या आएगा सर्कस में राइट करेंगे। फिर राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या आएगा रिंग का क्या आएगा स्विंग, देन डाउन का टाउन, ट्रुप का हुप, फैन का मैन। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोयम। हैव यू सीन द एक्रोबैट्स, उसमें क्या लिखोगे ऑन द डिजिंग स्विंग। हेयर्स द एजुकेटेड का डॉग, एजुकेटेड डॉग जंपिंग थ्रू द हुप। सी द जॉयफुल जगलर एंड द बॉय हु लूप्स द लूप। अब ये क्वेश्चन है आपको नोटबुक में लिखना है क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा है। नाउ दैट यू हैव रीड द पोयम कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये किसका पिक्चर है, क्लोन का। ये सीढ़ी को लेडर बोलते हैं और ये रिंग की तरह है, लूप है। अब आपको ये वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में लिखनी है सारी, और एक्सरसाइज लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू सी इन अ सर्कस, सर्कस में क्या देखा था। द एलिफेंट, द क्लाउन, द डैपलेट हॉर्स, द एक्रोबैट्स एक्सेट्रा। व्हाट डू यू ईट ईच ऑफ द, व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग डू इन द सर्कस। हॉर्स क्या करता है, गैलोप्स राउंड द रिंग। एक्रोबैट्स दे आर ऑन द डिजी स्विंग। डॉग जंप्स थ्रू द हूप। लेडी ब्लॉन्डिन शी कैरीज अ पैरासोल एंड अ फैन। राइट राइमिंग वर्ड आपको मैंने बुक में भी बताया था, रिंग स्विंग डाउन टाउन ट्रुप हूप फैन मैन।